हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, बुलेट 350 एक बहुत ही आइकॉनिक बाइक जो कि आती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, और इस बाइक को लेने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है और बहुत सारे लोग लेते भी हैं। बट यहाँ पे एक चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे लोग इस बाइक को नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लाइक कि इस बाइक की दिखाता हूं। अब जैसे देखो, ये मैं इस बाइक पे बैठ गया, अब ये देखो यहाँ पे, अब ये देखो मेरे पैरों की तरफ दिख रहा है कुछ, तो ये मेरी हाइट अच्छी खासी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पूरे पैर कंफर्टेबली बुलेट 350 में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से इस बाइक को अवॉइड करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें आपके पैर पूरी तरीके से नीचे नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसी का सॉल्यूशन लेके रॉयल एनफील्ड आ चुका है उन लोगों के लिए जिनकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है। तो इसके बारे में आज करेंगे पूरी बात, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, यहाँ पे मेरे सामने खड़ी है एक स्टैंडर्ड 350 यानी कि बुलेट 350, और हमने कर दिया है इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट। ये ठीक है, घर ले चले। तो एक काम करते हैं, इसको रख दो ऐसे करके निकाल के, और इसके बाद फिर इस बुलेट पे आराम से बैठ के चलो, मस्त है ना। नहीं यार, मजाक कर रहा हूं। देखो कभी कभी यार मेरे वीडियो हमेशा बड़े सीरियस से होते हैं, तो ऐसी ऐसी बुलेट 350 की यार बेइज्जती नहीं करनी है। तो करना क्या है, अब यहां पे रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दी है बुलेट 350 के लिए लो राइडर सीट, यानी कि जो लोग हाइट में कम हैं वो लोग इस सीट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप कितना फर्क पड़ गया है। तो ये जो सीट है कंपेयर टू जो कन्वेंशनल सीट है उससे नीची हो चुकी है हाइट, और अब अगर इस सीट पे हम बैठते हैं तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होगी। रुको, अभी आपको एक चीज और दिखाता हूं। तो अब ये देखो, ये दोनों सीट्स मैंने यहाँ सामने रखी हैं, थोड़ी सी दोनों उठा रखी हैं पैरेलल करने के लिए। अब यहाँ पे देखो आप कितना फर्क आ गया है, ये सीट काफी ऊंची है और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सीट आपकी काफी नीचे हो चुकी है एज कंपेयर टू द स्टॉक सीट। अब आओ इस सीट को लगाते हैं और फिर बैठ के देखते हैं। तो ये देखो, सीट रख दी मैंने, लगा दी। अब आओ इस बाइक को उतारते हैं। ये देखिए, ये फर्क है लो राइडर सीट में। ओके, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेटल की प्लेट सी है जो कि स्किट कर रही है। अब ये देखिए, जहां पे उस सीट पे मेरे पैर ऐसे आ रहे थे, ऐसे टिक रहे थे, वहां पे अब ये देखिए मैं कंफर्टेबली ये देखिए पैर को लैंड कर पा रहा हूं। तो जब आप कंफर्टेबली पैर को लैंड कर पाओगे तो आप ये देखो, और ऐसा नहीं है कि मैं एक पैर भी कर पा रहा हूं, ये देखिए दोनों तरफ पैर बहुत कंफर्टेबली लैंड कर रहे हैं। अब आते हैं नीचे। तो अब ये सीट आप लगाते हो तो देखो थोड़ा सा, अब आप यहां से एर्गोनॉमिक्स को देखो तो थोड़ा सा बाइक में आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। ये देखो, ये बाइक थोड़ी सी लोअर डाउन हो गई, और अगर उसी की जगह पे आप ये वाली बाइक देखोगे जो यहां पे खड़ी है तो ये एक काफी ऊंचा सा लुक दे रही है। दोनों ही बाइक साइड स्टैंड में है, तो देखो ये बाइक काफी ऊंची लग रही है, और अगर आप उस बाइक की तरफ देखो तो ये जो है ये काफी हद तक अभी भी नीची नजर आ रही है। तो ये है सॉल्यूशन। और अगर मैं कुशनिंग की बात करूं तो बॉस इसमें प्रीमियम पैड डाले जाते हैं, क्योंकि देखिए कंफर्ट को कम नहीं कर सकते हैं। तो ये सीट जो है विच इज कॉल्ड एज द लो राइडर सीट, ये देखिए यहाँ सीट के साइड में टैग भी लगा होता है लो राइडर सीट, इसमें भी
प्रीमियम तरीके का फोम जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए पैडिंग को पतला करना है, लेकिन पैडिंग के साथ साथ कंफर्ट का भी उतना ही ध्यान यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे नॉर्मल पैडिंग यूज की गई है, वहां पे थोड़ी सी प्रीमियम पैडिंग यूज की गई है, और इसको लगाने से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ये बाइक बहुत कंफर्टेबल हो जाती है और बहुत ही वेल टू डू एंड वेल विद इन रीच रह जाती है, जिसकी वजह से बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलरली सीट की प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो ये जो आपको लो राइडर सीट है ये आ जाती है सिंगल सीट, और ये आ जाती है 4,950 रुपए की, जो कि आप रॉयल एनफील्ड से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रही है, अगर आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुमित का नंबर दे रहा हूं, आप सुमित को कॉल कर सकते हैं और ये लो राइडर सीट अपने लिए पैन इंडिया मंगवा सकते हैं। अब देखिए 4,950 रुपए मुझे एक बड़ा जस्टिफाइड सा अमाउंट लगता है, रीजन भी मीटियोर 350 की जो सिंगल टूरिंग सीट आती है वो भी 3,500 रुपए के आसपास की आती है, बल्कि इनफैक्ट 3,500 की तो तब थी जब मैंने लगवाई थी। अब इनफैक्ट जो आगे की टूरिंग सीट है वो 4,000 रुपए की आती है, 3,950 की है प्रिसाइसली। तो पिलियन वाली जो है वो आ जाती है मीटियोर की आई थिंक 3,100 रुपए के आसपास, तो 4,000 और 3,000 रुपए की मीटियोर का सीट सेटअप पड़ता है। तो उसकी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 4,950 रुपए की ये सीट एक वैल्यू फॉर मनी सीट है, प्लस कंफर्ट को कहीं से भी डिस्टॉर्ट नहीं करती है। सो उम्मीद करता हूं कि आप में से वो राइडर्स जो बुलेट 350 लेना चाहते थे लेकिन शॉर्ट हाइट होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे, और एक चीज और दिखाता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पे मेरे पास एक भाई यहाँ शोरूम में अवेलेबल थे, भाई आपकी हाइट क्या है? प्रॉपर तरीके से तो नहीं बता सकता, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो यार, आप समझदार हो, व्यूअर्स हो, देखो अच्छा नहीं लगता कुछ भी ये सब बातें कहना सुनना। अब देखो भाई को मैं अब बुलेट 350 बैठाता हूँ, प्लीज बैठिए। अब ये देखिए, अब ये साइड स्टैंड इन्होंने हटाया, ये देखिए, ये देखिए, अब ये देख रहे हैं आप, अब ये शॉर्ट राइडर है, अब आप देखिए इनको उधर के पैर पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, अब ये देखिए, अब ये पैर दोनों में से एक साइड ही पहुंच पाएंगे प्रॉपर, दूसरी साइड नहीं पहुंच रहे। अब लेना तो ये बुलेट 350 चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम आ गई, ले तो लेंगे लेकिन फिर बॉस रोड पे तो रुकना है, देखना है। आओ अब इनको लेके चलते हैं दूसरी बाइक पे, लो राइडर सीट पे एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे ही, ये देखिए अब ये यहाँ पे लो राइडर सीट पे बैठे हैं। आप कंफर्टेबल हो पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले अगर मैं कहूं कि आपको ये बाइक दूं और मैं ये बाइक दूं तो आप दोनों में से कौन सी लोगे? कलर की बात नहीं कर रहा हूं, कंफर्ट की बात कर रहा हूं, और मैं ये पूछ रहा हूं कि आप पैरों से बैलेंस किसे कर लोगे? बढ़िया कंफर्ट आ रहा है, दोनों साइड पैर पहुंच रहे हैं, उससे तो सही है, उससे बेहतर है। तो देखिए आओ एक बार पीछे से भी दिखाते हैं आपको, ये दोनों साइड पैर रखेंगे और आप देखो अब मेरे तो पूरे नीचे आराम से पहुंच रहे थे, अब यहाँ पे देखो ये एक साइड ही पैर पहुंचा पा रहे थे उस वाली बाइक में, और यहाँ देखो आप दोनों साइड के ये देखो पैर आराम से कंफर्टेबली पहुंच रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर ये चाहेंगे तो इस बाइक को राइड कर सकते हैं। तो ये कंफर्ट है जो रॉयल एनफील्ड अपने राइडर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अगर आप ये सीट अपनी बुलेट 350, अब एक चीज आपको बता देता हूं, ये वाली जो सीट है ये नई वाली बुलेट 350 में ही लगेगी, अगर आप कोई पुरानी वाली बुलेट 350 ले रहे हैं तो उसमें नहीं लगेगी, वो नई वाली में ही लग सकती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी सीट अपने लिए परचेज करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या फिर आप सुमित को कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, और आप पैन इंडिया कहीं से भी हो वो सीट आपको अवेलेबल करा देंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर ब्लॉग्स फॉर द डे, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।